रिएक्शन काइनेटिक्स। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे। दिस इज़ चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम केमिस्ट्री बुक 1। रिएक्शन काइनेटिक्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड काइनेटिक्स, आप जब फिजिक्स के अंदर काइनेटिक मोशन या काइनेटिक्स पढ़ते हो, व्हाट इज़ काइनेटिक? काइनेटिक इज़ रिलेटेड टू मोशन। इफ़ समथिंग इज़ मूविंग तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि वो मोशन में है, और फिर हम उसको वर्ड काइनेटिक से एसोसिएट करते हैं। सिमिलरली द मोशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स या किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की रिएक्शन काइनेटिक्स। अब केमिकल रिएक्शन के आगे प्रोसीड करने से, आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल देर इज समथिंग ए प्लस बी विच इज चेंजिंग इनटू सी प्लस डी। जितना आपको ऑलरेडी पता है, मैं उससे बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ए और बी को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड सी एंड डी को हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं, बिकॉज ए एंड बी आर चेंजिंग इन टू सी एंड डी। सो दीज ए एंड बी आर योर रिएक्टेंट्स एंड बी सी एंड डी आर योर प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि सम केमिकल रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली विद इन एन इंस्टेंट, बिल्कुल ही एक लम्हे के अंदर हो जाते हैं। यानी आपने दो चीज़ों को मिक्स किया और दो चीज़ें नई बनी और फौरन ही बन गई, आपने मतलब विद इन सम माइक्रो सेकेंड्स लेस से ये प्रोड्यूस होगी। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल ये है कि आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लो, बाय सोल्यूशन आई मीन आपने वाटर के अंदर इसको डिजोल्व किया हुआ सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, दिस इज लिक्विड सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, और इसके अंदर यू पुट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विच इज AgNO3। तो सिंपली आपका सब्स्टिट्यूशन एक रिएक्शन जो होता है, सिल्वर और क्लोराइड आपस में बॉन्ड बना के सिल्वर AgCl फॉर्म कर देते हैं। अब ये जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, इट फॉर्म्स इंस्टेंटेनियसली। आप डालते हो, आपको पता ही नहीं चलता, विद इन सम माइक्रो सेकेंड्स आप नीचे देखोगे कि छोटे छोटे पत्थर से नीचे व्हाइट कलर के बैठे हुए हैं, सिल्वर कलर के, व्हाइट कलर के रादर, ये नीचे नीचे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। दीज आर बेसिकली प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एंड दिस रिएक्शन हैपन्स इंस्टेंटेनियसली। ऑन दी अदर हैंड कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रेट के ऊपर होते हैं। द वर्ड रेट एक्चुअली मीन्स वॉट? हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। जो रेट मैंने अभी वर्ड यूज किया है ना, इसका मतलब होता है कोई रिएक्शन कितना स्लो या कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। स्लो रेट का मतलब हो गया, मतलब रिएक्शन इज वेरी स्लो, एंड फास्ट रेट का मतलब होगा बहुत ही तेज रिएक्शन हो रहा है। सो मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर एक अच्छी एग्जाम्पल जो है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। एस्टर ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बोनाइल सी डबल ओ ओ एक तरफ कोई अल्काइल चेन लगी होती है, फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड यहाँ पे भी CH2 एंड CH3। सो डोंट गेट कन्फ्यूज ये मैंने क्या बनाया है, या आप जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पढ़ेंगे एस्टर्स वगैरह तो आपको ये बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन एस्टर, एंड बट वेन यू ट्राई टू हाइड्रोलाइज एन एस्टर यू गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वन ऑफ देम इज एन अल्कोहल एंड द अदर वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज अ मॉडरेट रिएक्शन, ये बहुत स्लो नहीं होता, बट इट टेक्स सम मिनट्स, लेट्स से कुछ मिनट लगते हैं इस रिएक्शन को होने में। इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं, जिनको हम ओवरऑल स्लो कैटेगरी के अंदर डालेंगे, और ये ऐसे रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन को जो जंग लगता है, इट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन, एंड आपने ये बात सुनी भी होगी, बेसिकली फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, दिस इज एक्चुअली दैट कंपाउंड जिसको हम जंग बोल रहे होते हैं, ठीक है, इट्स आयरन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो इफ यू हैव ऑब्जर्व। आप कभी आयरन का एक पीस लो, ठीक है, एंड पुट इट इन एयर, इसको लिक्विफाई कर, पहले इसको लिक्विफाई कह रहा हूँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी फेंक दो, ठीक है, इसको थोड़ा गंदा कर दो, मिट्टी भी इसके ऊपर डाल दो, और आप इसको फिर एयर के अंदर खुला रख दो, फिर देखो कि जंग कितने टाइम बाद लगता है। तो इट विल टेक डेज, ये जो रिएक्शन है ये घंटों का भी नहीं है बल्कि ये दिनों का है, ठीक है।
सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस फौरन हो जाते हैं विद इन सम सेकेंड्स और माइक्रोसेकेंड्स, कुछ मॉडरेट रेट पे यानी दरमियाने से रेट पे होते हैं और कुछ बहुत ही स्लो होते हैं. सो लेट्स रीडिफाइन द वर्ड रिएक्शन काइनेटिक्स. रिएक्शन काइनेटिक्स, इससे पहले मैंने आपको कहा था हाउ अ रिएक्शन प्रोसीड्स, हम इसमें ये स्टडी करते हैं. नाउ अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम रेट्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, कितना जल्दी या कितना स्लो होगा वो रिएक्शन, एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. यानी कोई रिएक्शन अगर ए बी के अंदर चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक तो हम ये स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका रेट क्या है, यानी कितने टाइम में ये रिएक्शन हो रहा है. सेकेंडली फिर हम ये देखते हैं कि लेट्स से आप अगर इन दोनों कंपाउंड्स का टेम्परेचर ज्यादा कर दो तो फिर क्या होगा, यानी ये टेम्परेचर उन फैक्टर्स में से है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा. सिमिलरली प्रेशर उन फैक्टर्स में से है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा. कैटलिस्ट जब आप डालते हो ये उन फैक्टर्स में से है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हम कैटलिस्ट ऐड करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ रिएक्शन काइनेटिक्स को हम डिफाइन यू कर रहे हैं, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें रेट्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया जाता है और फिर इसके अलावा हम वो मुख्तलिफ फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कम होता है या ज्यादा होता है. अगेन इस चैप्टर के अंदर हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे. इनमें से एक आपको इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि कोई एक चीज ए जो है वो बी के अंदर चेंज होगी है, वेयर ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट, तो अक्सर ऐसे होता है कि ए डायरेक्टली बी में नहीं चेंज होता, ए पहले ए प्राइम में चेंज होता है, ए प्राइम फिर एक ए डबल प्राइम में चेंज होता है और फिर ए डबल प्राइम जो है वो बी में चेंज होता है. व्हाट आई मीन टू से कि हमें तो यूं नजर आ रहा होता है ना कि जहां पे मसलन कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, वेरी सिंपल रिएक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो. बट क्या ये रिएक्शन एक्चुअली भी ऐसे ही होगा? एक्चुअली ये ऐसे नहीं होगा. पहले तो इसके बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर कार्बोनेट के बॉन्ड्स टूट के वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यू नो, यानी ये स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. दीज आर कॉल्ड द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन. अब इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स बहुत तेज होते हैं और कुछ बहुत स्लो होते हैं. ठीक है, नॉर्मली जिन स्टेप्स के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले बॉन्ड्स टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं, ये बात होपफुली आपको पता थी. तो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वो स्टेप हमेशा स्लो होता है. ठीक है, और जब बॉन्ड्स मेक होते हैं यानी जब नए बॉन्ड्स बनते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉर्मली फास्ट. तो अब होता यह, लेट्स से ये तीन आपके टोटल स्टेप्स हैं और इस रिएक्शन में, यह एक आर्बिट्री रिएक्शन है, मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. मसलन इसमें टोटल 100 सेकेंड्स टाइम लगता है. ठीक है, तो उसमें से जो सबसे पहला स्टेप है ना जिसमें बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, पिछले बॉन्ड्स टूटेंगे, ये जो स्टेप है इसमें लेट से 90 सेकेंड्स लगेंगे. ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है ये आपका वो स्टेप है जिसमें नॉर्मली रीअरेंजमेंट वगैरह हो रही होती है, इसमें लेट से 6 सेकेंड्स लगेंगे. और ये जो बॉन्ड मेकिंग स्टेप है ये बहुत फास्ट होता है. ठीक है, सो लेट से इस पे ओवरऑल आपके 4 सेकेंड्स लगेंगे. नाउ द ओवरऑल टाइम इज 100 सेकेंड्स. ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि जो सबसे तेज वाला स्टेप है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो क्या आप ओवरऑल टाइम एस्टिमेट कर सकते हो? नो. अलबत्ता अगर आपको ये बता दिया जाए कि सबसे स्लो वाला जो स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप था ना सबसे ऊपर वाला जिसमें बॉन्ड्स टूट रहे थे, अब जो सबसे स्लो वाला स्टेप है अगर ये बता दिया जाए दिस इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू द मैक्सिमम वैल्यू. यानी आई मीन टू से अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप 5 मिनट्स के अंदर हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो रिएक्शन का टाइम है, ओवरऑल रिएक्शन टाइप आप एस्टिमेट कर सकते हो, यानी 5 मिनट से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा ना. 5 मिनट इज ऑल हाउ मच, 300 सेकेंड्स, तो हो सकता है ओवरऑल रिएक्शन टाइम 305 सेकेंड्स हो या 310 सेकेंड्स हो.
यानी आपको सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप का रेट पता होना चाहिए, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रिएक्शन काइनेटिक्स की जुबान में हम लोग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। यानी ये एक ऐसा स्टेप होता है जिससे हम रेट डिटरमिन कर सकते हैं, हम ये पता चला सकते हैं कि ओवरऑल रेट क्या होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अगर हमें ये पता चल जाए कि सबसे स्लो स्टेप जो है रिएक्शन का वो किस तरीके से, क्या उसकी टाइमिंग है, ओवरऑल कितना रेट है उसका, तो हम ओवरऑल रेट को एस्टीमेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप या RDS, हम लोग आगे बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और इसके रेट को फिर हम कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह एंड मुख्तलिफ फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि हम इस रेट को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकें, और फिर हम लोग ओवरऑल जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो इकोनॉमिकली प्रोसीड कर सके, यानी कम आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की जो भी आप केमिकली प्रोडक्ट बना रहे हो। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। दिस वॉज एन वेरी बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स और चीजें सीखेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से। मोर प्रिसाइजली वील बी टॉकिंग अबाउट रेट्स ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम अ ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा रेट्स ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली मैयर कैसे किया जाता है इसकी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसके यूनिट्स वगैरह क्या हैं और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वगैरह को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।